चरखी दादरी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चरखी दादरी से चेयरमैन प्रत्याशी बलराज फोगाट पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है और लोगों का मन बन चुका है कि हर आदमी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहता है, जिससे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने सभी पार्टियों को देख लिया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार लोगों का भाजपा, कांग्रेस, इनेलो आदि सभी पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जल्द ही हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा दिल्ली के अध्यक्ष दादरी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। वहीं चरखी दादरी से बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी बलराज फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी किस्मत है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। जनता मुझे मौका दे तो मैं उनकी समस्याएं जड़ से खत्म कर दूंगा। सुना है कि भाई 12 तारीख को बहन जी इधर आ रही हैं, तो ये किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी मुखिया है वो बड़े चुनाव में आती हैं, चाहे वो मतलब एमपी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तब वो मतलब आती हैं। इसमें तो मैं भी राज्य सचिव हूँ और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी यहाँ 17 तारीख को आएंगे, तो इसलिए क्योंकि लोग चुनाव में कई प्रकार के दाव पेश खेलते हैं कि भाई बहन जी का नाम उछाल दिया है, कल को वो नहीं आएंगी तो उसका फिर दूसरी पार्टी दुष्प्रचार करेंगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस दादरी का मेरा और बसपा के जितने हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है सौभाग्य है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के आला नेताओं का, बहन मायावती जी का, प्रदेश प्रमुख जी का और हमारे राष्ट्रीय सचिव सीपी सिंह हमारे साथ हैं, यहाँ आए हैं, और जितने भी हमारे यहाँ के लोकल भाई हैं वो ब्लॉक स्तर के हैं चाहे जिला स्तर के हैं। सुना है